हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमिताभ शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान अमन भाटिया जी के इस कमेंट को। भाटिया जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने LIC के बीमा गोल्ड प्लान नंबर 174 की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप लोग भी LIC बीमा गोल्ड पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको इसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इससे आपका समय बचेगा। इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या आप किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी एक वीडियो लाते हैं आप ही के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी PNB MetLife इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जीनियस प्लान की, वो भी बिना किसी देरी के। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये तो होगी टेक्निकल, अब हम अपने नॉर्मल शब्दों में समझ लेते हैं। आप ये प्लान अपनी आवश्यकता के अनुसार लेते हुए जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो उससे जो बाजार संबंधित जोखिम आपके इन्वेस्टमेंट पे होता है वो नहीं रहेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्लान, राइट? तो इससे आशय है कि कंपनी अपनी तरफ से तो बोनस नहीं देगी, लेकिन आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पे आपको निश्चित प्रतिशत की दर से यानी कि गारंटेड रिटर्न देगी। यह रिटर्न रेगुलर भी ले सकते हैं आप या लमसम भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। प्लान में दो अलग अलग वेरिएंट हैं या कहें कि दो ऑप्शन है जिनमें से आप एक ही ले सकते हैं। पहला है फ्यूचर सिक्योर, दूसरा है चाइल्ड सिक्योर। दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे से अलग तरीके से काम करते हैं और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम आज की वीडियो में फ्यूचर सिक्योर ऑप्शन को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे PNB MetLife इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जीनियस प्लान के फ्यूचर सिक्योर ऑप्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप फ्यूचर सिक्योर ऑप्शन को लेना चाहते हैं तो जो आयु सीमा रखी गई है लेने की इस ऑप्शन, वो है 18 साल से लेकर के 60 साल। इस ऑप्शन के साथ ना अधिकतम 80 साल की आयु तक प्लान के अंदर रह पाएंगे। बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म की और पॉलिसी टर्म की लिमिट की, तो जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। 5 पे यानी कि 5 साल तक अगर प्रीमियम पे करने का ऑप्शन लेते हैं तो 10 साल से लेके 25 साल का पॉलिसी टर्म। 7 पे यानी कि 7 साल का प्रीमियम अगर हम पे करते हैं यानी कि 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 12 साल से लेके 25 साल। 10 पे यानी कि हम 10 साल लगातार प्रीमियम पे करने का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लेते हैं तो 15 साल से लेकर के 25 साल तक का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन हमें मिल जाता है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट रखा गया है वो है 12,000 रुपए का मात्र, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। अब आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके हाई रेजोल्यूशन पे देखिएगा क्योंकि हम जानने वाले हैं इनकम पे आउट पीरियड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप बेनिफिट लमसम या रेगुलर दोनों तरीके से ले सकते हैं। अगर आप लमसम ऑप्शन को चुनेंगे तो यहाँ पे इनकम पे आउट पीरियड 1 हमें दिख रहा है मिनिमम। ये जो मिनिमम 1 है इसको हम कहेंगे लमसम। बात आती है रेगुलर की, तो मान लीजिए 10 पे यानी कि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने लिया और उसके साथ में आपने ले लिया मान लीजिए 15 साल का पॉलिसी टर्म, तो 10 साल प्रीमियम आप जब पे कर लेंगे उसके बाद में आपका 5 साल का इनकम पे आउट पीरियड चालू हो जाएगा। यानी कि जो पे आउट पीरियड होगा इसी को आप बोलेंगे रेगुलर पे आउट पीरियड या रेगुलर इनकम ऑप्शन, ठीक है? जैसे कि अगर आपने लिया 18 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल प्रीमियम पे किया तो 8 साल का इनकम पे आउट पीरियड होगा, और वहीं अगर आपने 20 साल का लिया पॉलिसी टर्म तो 10 साल का इसके साथ प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 10 पे ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो 10 साल का इनकम पे आउट पीरियड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से टेबल यहाँ पे ये काम करती है। और अधिकतम जो इनकम बेनिफिट पीरियड है वो आपको मिल जाता है 5 पे यानी कि 5 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में। 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लेंगे और 25 साल का पॉलिसी टर्म अगर आपने लिया तो उसके साथ में आपको 20 साल का इनकम बेनिफिट पीरियड मिल जाता है, राइट? आई होप ये टेबल अब आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी। कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं PNB MetLife इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जीनियस प्लान के फ्यूचर सिक्योर ऑप्शन के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है इनकम बेनिफिट, जिसे हम लमसम या रेगुलर ले सकते हैं। और अगर हमें लमसम ही लेना होगा यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट ही लेना होगा खाली, तो हम ये प्लान क्यों लेंगे, कोई दूसरा प्लान भी ले सकते हैं, राइट? इसी कंपनी का अगर लेना चाहते हैं। दूसरा जो मुख्य बेनिफिट है वो है डेथ बेनिफिट। समझने के लिए हम उदाहरण ले रहे हैं। मान रहे हैं कि श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 30 साल की और उनकी एक पुत्री है जिनकी आयु अभी 1 साल से भी कम है यानी कि न्यूबॉर्न बेबी है। तो ऐसे में श्रीमान ए का कहना है कि जब मेरी बेटी 11 साल की हो तो मुझे रेगुलर पे आउट की जरूरत होगी। तो यानी कि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 20 साल का पॉलिसी टर्म और 10 साल का इनकम पे आउट पीरियड यहाँ पे वो चुन रहे हैं, ठीक है जी? तो जैसे ही 10 साल वो प्रीमियम पे कर लेंगे तो उन्हें सबसे पहले क्या मिलेगा, इनकम बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा क्योंकि वो रेगुलर इनकम ही लेना चाहते हैं।
तो ऐसे में जो इनकम बेनिफिट होगा वो गारंटेड इनकम प्लस गारंटेड एडिशन प्लस वेल्थ बूस्टर, ठीक है जी। तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे गारंटेड एडिशन कैसे मिलता है। गारंटेड एडिशन जो है वो आपकी सालाना बेस प्रीमियम का 15% मिलेगा। जैसे कि 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पहले साल मिल जाएगा 50,000 का 15%, दूसरे साल फिर हम 50,000 रुपए का प्रीमियम पे करेंगे तो टोटल पेड प्रीमियम हो गया 1,00,000 रुपए का, तो फिर 1,00,000 रुपए का 15% मिलेगा। तीसरी बार फिर अगर 50,000 रुपए पे करेंगे तो टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 1,50,000 रुपए का, तो उसका 15% मिलेगा। कब तक मिलता है? केवल प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर ही हमें मिलता है, ठीक है। तो 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का अमाउंट आ जाएगा 4,12,500 रुपए का, ठीक है। आई होप ये चीज आप यहाँ पे समझ गए। अब हम यहाँ पे समझते हैं वेल्थ बूस्टर फैक्टर कैसे काम करता है। यहाँ पे जो एक्स परसेंटेज दिया गया उसका मतलब है वेल्थ बूस्टर फैक्टर। ये वेल्थ बूस्टर फैक्टर अप्लाई होता है आपकी गारंटेड जो इनकम होगी सालाना उस पे। गारंटेड इनकम में आप जोड़ देते हैं अक्योर्ड गारंटीड एडिशन, उसको डिवाइड कर देते हैं इनकम पे आउट पीरियड से, राइट। यहाँ पे लिखा है ईयर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ इनकम बेनिफिट पे आउट, यानी कि 10 साल जब प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होंगे उसके बाद वेल्थ बूस्टर का अस्तित्व आएगा। अब गारंटेड इनकम को भी जानना क्योंकि वो भी इंक्लूड हो रहा है। तो जो गारंटेड इनकम फैक्टर है हमारा वो 85.03% है। गारंटेड इनकम जो फैक्टर है उसको अप्लाई कर देंगे सालाना बेस प्रीमियम पे तो 42,515 रुपए का अमाउंट आ जाएगा गारंटेड इनकम बेनिफिट का। और जो गारंटेड इनकम रेट है डिपेंड करता है कि आपकी आयु क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है, उसके अनुसार ये होता है। ये फिक्स नहीं है, सबके लिए अलग अलग होगा। तो जैसे ही हमने 10 साल प्रीमियम के कंप्लीट कर लिए तो जो इनकम के पहले 5 साल होंगे उसमें जो वेल्थ बूस्टर फैक्टर अप्लाई होगा वो होगा 5% का, उसके बाद 10% का अप्लाई होगा अगले 5 साल के लिए। तो 42,515 में जोड़ दिया हमने, 4,12,500 10 से डिवाइड किया और उसका हमने 5% निकाल लिया, तो हमारा वेल्थ बूस्टर का अमाउंट आ गया 4,188.25 रुपए का, ठीक है। तो इनकम पे आउट पीरियड हमारा है यहाँ पे 10 साल का और अक्योर्ड गारंटीड एडिशन है हमारा 4,12,500। अभी हर बार इनकम पे आउट पीरियड के दौरान हमें अक्योर्ड गारंटीड एडिशन मिलेगा तो अक्योर्ड गारंटीड एडिशन को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो इनकम बेनिफिट के साथ जो अक्योर्ड गारंटीड एडिशन की इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो 41,250 रुपए की हो जाएगी। तो 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट करने के बाद पहले 5 साल जो इनकम बेनिफिट हर साल मिलेगा वो होगा 42,515 जमा 41,250 गारंटीड एडिशन का, और जो वेल्थ बूस्टर है हमारा 4,188.25 रुपए उसको जोड़ देंगे तो पहले 5 साल हर साल 87,953.25 रुपए मिलेंगे। अब हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे क्योंकि पहले 5 साल इतना अमाउंट मिल रहा है तो 4,39,766.25 रुपए का अमाउंट ये हो जाएगा पहले 5 साल में जो गारंटेड इनकम बेनिफिट मिला। अब अगले 5 साल के लिए जो वेल्थ बूस्टर रेट अप्लाई होगा वो होगा 10%। किस पे? जो गारंटेड इनकम है 42,515 जमा अक्योर्ड गारंटीड एडिशन 4,12,500 उसको 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इनकम पे आउट पीरियड है वो, तो जो अगले 5 साल के लिए वेल्थ बूस्टर का अमाउंट होगा वो 8,376.50 रुपए का होगा, ठीक है। तो पहले 5 साल में हमें 4,39,766.25 रुपए मिल गए। अब अगले 5 साल जो बाकी बच 16 साल से लेकर के 20 साल तक के उसमें जो गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा वो होगा 42,515 जमा 41,250 प्लस 8,376.50 रुपए वेल्थ बूस्टर के, तो हर साल 92,141.50 रुपए मिलेंगे अगले 5 साल तक। तो हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे क्योंकि 5 किस्त होगी सालाना के हिसाब से, तो 4,60,707.50 रुपए का ये अमाउंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट कर लेंगे तो 4,39,766.25 रुपए में हम जोड़ देंगे 4,60,707.50 रुपए, तो टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट आ जाएगा 9,473.75 रुपए, राइट। 9,473.75 रुपए, यही होगा वो बेनिफिट। इस तरीके से आप बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए ये जो बेनिफिट फ्रीक्वेंसी है, कहें कि जो बेनिफिट मोड है, आप चाहें तो सालाना भी ले सकते हैं, छमाही भी ले सकते हैं, तिमाही भी ले सकते हैं, मासिक भी ले सकते हैं। अब मान लो कि श्रीमान ये यहाँ पे हाफ ईयरली मोड में लेना चाहते हैं इनकम बेनिफिट, तो जो सालाना इनकम बेनिफिट होता है उसका 97% निकाल के उसका 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देते, या कहें कि 0.5 का गुणा कर देते, तो पहले 5 साल जो इंस्टॉलमेंट मिल रही थी वो 87,993.25 रुपए की मिल रही थी, इसका हम निकाल लेंगे 97% और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 कर लेंगे इसका, ठीक है। तो 42,657.32 रुपए के आसपास का ये अमाउंट बैठेगा। तो अगर आप ऐसे ही कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एनुअल मोड के अलावा कोई भी मोड आप चुन रहे हैं तो आपका इनकम बेनिफिट का अमाउंट ओवरऑल घट जाता है। क्वार्टरली लेंगे तो एनुअल इनकम बेनिफिट का 96% निकाल के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4। मंथली किस्तों में अगर लेना चाहेंगे इनकम बेनिफिट तो एनुअल इनकम का 95% निकालेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/12।
ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मेन कंपोनेंट इसका यही था, इनकम बेनिफिट का कैलकुलेशन कैसे करें वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि गारंटेड रिटर्न वाला प्लान है आपको पता ही है कि डेथ बेनिफिट तो आपके बॉन्ड पे लिखे ही रहेंगे, वो आपको इजीली समझ भी आ जाएंगे। क्योंकि अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान डेथ होगी तो सारे जितने भी प्रीमियम आपको पे करने थे वो माफ हो जाएंगे, और जो इनकम बेनिफिट इनकम पे आउट पीरियड के दौरान आपको मिलने थे वो आपके नॉमिनी को मिलेंगे, और सम अश्योर्ड ऑन डेथ का जो अमाउंट होता है जो आपको पता ही चल जाएगा शुरुआत में प्लान लेते वक्त, उसमें ऐसा कोई खास आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी होगी, वो आपके नॉमिनी को लमसम मिल जाएगा और इनकम बेनिफिट भी मिल जाएगा। और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में डेथ होगी तो इनकम बेनिफिट नॉमिनी को यूं के तो मिलते रहेंगे जैसे कि आपको बताए, उसके साथ में लमसम डेथ बेनिफिट का अमाउंट भी मिल जाएगा जिसे आप सम अश्योर्ड ऑन डेथ कह सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी आपको इनकम बेनिफिट की कैलकुलेशन में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब इसमें आपको कस्टमाइजेशन ऑफ इनकम बेनिफिट का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको इनकम बेनिफिट अपने बर्थडे या अपने बेटे या बेटी के बर्थडे या अपनी मैरिज एनिवर्सरी या अपने वाइफ या हस्बैंड के बर्थडे पे मिलना चालू हो तो ऐसा आप डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो रेगुलर इनकम बेनिफिट मिल रहा है जो आपने प्लान लेते वक्त शुरू में चुन लिया था, अब आप चाहते हैं कि लमसम लें उसको इकट्ठा करते रहें कंपनी के पास ही, तो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर पहले 2 साल प्रीमियम लगातार पे करे बिना आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं तो ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी लैप्स हो सकती है। ग्रेस पीरियड 15 दिन का है मंथली प्रीमियम के लिए, बाकी के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। अब हम अगले भाग में समझेंगे चाइल्ड सिक्योर ऑप्शन के बेनिफिट को उदाहरण के साथ में, बाकी हम इसके पेड अप बेनिफिट और सरेंडर वैल्यू के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे आने वाले भागों में, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और एक चीज खुद भी समझेगा दूसरों को भी समझाइएगा कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा आप सभी।